कमेंट्री के क्षेत्र में मैं आप सभी दर्शकों का भी सोशल मीडिया पर लाइव कराने उन सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और भारतीय स्पोर्ट्स मंत्री जरूर सब्सक्राइब करें नाम जरूर हासिल की काम का होगी नहीं नहीं जरूर लेकिन प्रयास भरपूर खाते आए पहले के पत्थर का लग सकता था लेकिन यह है और जितने लंबे हैं उतने लंबे लंबे अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं यह पूरा सहाबाद पूरा पूर्वांचल भरपूर इस लाइन को जानता है क्वेश्चन है अगर एक दो ओवर दे गए तो 47 छोटा हो जाएगा और ये बताते हैं कि मेरी हाइट लंबी है तो क्या आप लोग अमिताभ बच्चन से मेरी तुलना ना करें मेरे बल्लेबाजी के नाम से मुझे जाना जाए चलान कटाई और अंपायर ने चलान कटा है रनों का खाता लोहिया हुआ हुआ है दो रन 47 अपेक्षा करते हुए अंपायर द्वारा मिजाज का निर्णय लेता है चाहिए लेकिन बात की जाए तो पहली बार हमारे देश में भी राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है जिसमें किसी ने अमिताभ बच्चन जी का जिक्र किया तो हम अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से चाहिए थी सैतालीस कहा जाता है कि जो बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी पारी का पहला है एक घटना है टोटल स्कोर 9 रन नहीं पाई है चार एक ओवर की समाप्ति के बाद 47 की अपेक्षा करते हुए आरा का स्कोर 9 के खिलाफ दूसरी पारी में 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पहले कर दिया है जहां होनी चाहिए वहां भेज दिया है स्लॉट में और कई दर्शकों के खाली वाले प्लॉट में 6 रन लगे छठे के सहारे 16-11-12-13-14 को पार करता हुआ 15 रन सभी के भूलिए परिवर्तन के कबर वाई कर रहा 16 गति परिवर्तन की दिशा से भटके बलराज की है उनके लिए हम बस इतना ही कहना चाहें मैदान बनकर आया कर धन्यवाद इस प्रकार से हमने कहा था कि अमन जिसके लंबे होने लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं लग रहा है इस पारी में गेंद को सीमा और रेखा से प्यार हो गया है जैसे स्विंग बल्ले बना रही है सीमा और रेखा से मिलने चली जा रही है अब क्या करें सीमा और रेखा है क्योंकि दोनों खूबसूरत अमन तो रहा नहीं जा रहा है बगैर लास्ट शॉट खेलने का प्रयास नहीं बल्ले पर दिख जाए नहीं सिंगल के सहारे स्कोर नहीं कर पा नहीं थे ओवर थ्रो लेकिन मैचा पच्चा मूल्य नहीं एक रन स्क्रीन पर ऐसा लग रहा है कि अब तक इस ओवर से 19 रन आए हैं टोटल 28 रन 47 के जवाब में और इस बार गति परिवर्तन इमीडिएट राम मंदिर के बल्लेबाज को बताते हुए बोले बड़ी दूसरा ओवर का विकेट जो कि 47 रनों का लक्ष्य है एक दिन फाइनल में जाने के लिए 30,000 जो भी इस प्रतियोगिता में चैंपियन बने के लिए जमजमाती हुई ट्रॉफी के साथ 30,000 रुपए का नगद इनाम जो कि रनर टीम को 10,000 रुपए का नगद इनाम उसके साथ बहुत बढ़िया रनर ट्रॉफी इस कम्युनिटी द्वारा प्रदान की जाएगी के बदले से पहला छक्का इस ओवर से 25 रन आए और टोटल 34 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले में अडानी ने शायद इनाम रखा रहे बहुत बहुत धन्यवाद आगे का आगे बताया अगला द्वारा धन्यवाद तो गेंदबाजी में कि आ रही मुकाबला जीत रही है और तरीका बन सका
फिलहाल वही बॉल कहा जाता है कि मान लिया मतलब नवीन खान पर आए थे और इस बीच एक और छक्का। जी हाँ, हाथ में बॉल आई जरूर थी लेकिन अमन के वजह से ये चौथा छक्का टूर्नामेंट में सबसे अलग। जी हाँ, अलग हो भी क्यों ना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में एक बल्लेबाज के बल्ले से लगने वाला सबसे ज्यादा छक्का है। मेरे साथी कमेंटेटर बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, मुझे फिक्र कर रहे थे इस खिलाड़ी के बारे में कि जब तक ये खिलाड़ी टीमते रहेगा चैन के साथ नहीं लेने देगा गेंदबाजों को। कैप्टन को ये सोचने पर मजबूर करता रहेगा कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और खेलना चाहिए क्या, इसी दिन पर पता आएगा फिर खेलना चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। क्या हम एम धोनी की तरह 2011 वाला विभिन्न ऑपरेशन मिलेगा इस मैदान से, मुझे खुशी प्रश्न दर्शकों के दिमाग में खल बल जैसा सुनी। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, रात को दो बजने वाले हैं और आप सब हम तक हम सब के साथ हैं। जी हाँ, करेंगे और टिकट को सेमीफाइनल ग्रहण करेंगे। मैच के मैदान में मैच अमन आए और पुरस्कार ले जाए। मैं दर्शकों से निवेदन करने का जो मतलब निभा खिलाड़ी अमन के लिए, अमन ने वो पारी खेली है जो अब तक हमको देखने को नहीं मिली है इस टूर्नामेंट में। जबकि कमेटी के सारे वॉलेंटियर्स जिनके सहयोग के बल होते तीन रात एक करके इस प्रतियोगिता को आज सफल बनाया गया है, उन सभी सदस्यों को अतिथियों के द्वारा आयोजनकर्ताओं के द्वारा गमछा देकर सम्मानित किया जाएगा। उसमें सबसे पहले रितेश कुमार सबसे बड़े तो नहीं लेकिन पहले सदस्य रितेश कुमार आ जाए। रितेश कुमार, अजय कुमार, अजय कुमार रितेश है सोनू, यहां सब लोग आगे जहां से हम आपको आंखों देखा।